हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 38 साइज़ की कटोरी की पेपर कटिंग सिखाऊंगी। तो उसके लिए देखिए, ये नाप हमें यहाँ पे लगेंगे। लेंथ यहाँ पे 14 इंचेस है, चेस्ट हमारी 38 इंचेस है, वेस्ट हमारा 32 इंचेस है, शोल्डर हमारा 11 इंच का रहेगा, नेक हमारा फ्रंट रहेगा 6.5 इंच का, और जो बैक नेक है 10 इंच का रहेगा। स्लीव्स की यहाँ पर लेंथ रहेगी 4 इंच की और गोलाई रहेगी 12 इंच की। तो इतने नाप हमें यहाँ पर लगेंगे। सबसे पहले हम पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लिया मैंने। उसके बाद में ये जो लेंथ है हमारी 14 इंचेस रेडी है, तो उसका अब निशान लगाएंगे हम। तो 14 इंचेस में हमें यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करना है फ्रंट की साइड में। बैक की साइड में हम 1 इंच ही ऐड करेंगे, बट फ्रंट की साइड में हमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो हम बैक की साइड में जब ऐड करेंगे, तब हम आधा इंच यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब 15.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया, उसी तरह से दूसरी साइड में भी लगा दिया। अब इस लाइन को इस तरह से सीधा बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर हमारा 11 इंच का है, तो उसका हाफ हमें यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब जो आर्म होल का लेंथ है यहाँ पे, मैं 6.25 इंच रखूँगी और इस तरह से लाइन को सीधा बना लूँगी। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 38 इंचेस का, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा 9.5 इंचेस, मतलब 9.5 इंच पे। एक निशान लगाने के बाद में 1.5 इंच के हम मार्जिन दे देंगे। अब हमें कमर का निशान लगाना है, तो कमर हमारी है 32 इंचेस, उसको 4 से डिवाइड किया 8 इंच आएगा, उसमें हम 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच की मार्जिन दे देंगे। अब इस तरह से लाइन को सीधा बनाएंगे। अब लाइन को सीधा बनाने के बाद में हम आर्म होल की काट डालेंगे। तो देखिए, बैक के आर्म होल की काट हम यहाँ पे 1.5 इंच की दे देंगे और वहाँ से हम 1/2 इंच की फ्रंट वाली आर्म होल की काट दे देंगे और इस तरह से हम आर्म होल को इस तरह से शेप देंगे। देखिए, हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच पे रखेंगे और फ्रंट नेक की लंबाई हमारी 6.5 इंच की थी, तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। नीचे के साइड में 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2.75 इंच पे या 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे ही रखूँगी और इस तरह से बॉक्स बना दूँगी। बॉक्स बनाने के बाद में इस तरह से गले का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो इस साइड में अब हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और दूसरी साइड में हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हम एक निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे और लाइन को सीधा बना देंगे। अब हम इस यहाँ पे जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान है, यहाँ से अब हम इसको नाप के इसका सेंटर बना लेंगे इस तरह से। अब सेंटर से जो 3.5 इंच पे हमने एक मार्किंग किया था, वहाँ से इस तरह से शेप देंगे, तो यहाँ पे ये बेल का शेप हो जाएगा। बेल का निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पे कटोरी का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जितना हमारा चेस्ट होगा, तो चेस्ट हमारा यहाँ पे 38 इंचेस है। 38 इंचेस को हमें 6 से डिवाइड करना होगा। तो 38 इंचेस को अगर 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आता है 6.3 इंचेस। इस तरह से इंची टेप की मदद से हमें 6.3 इंचेस पे एक निशान को इस तरह से लगा देना है, यहाँ से यहाँ तक। अब आर्म होल की साइड से अंदर की साइड में हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जो फ्रंट नेक है हमारा, यहाँ से हम 5.25 इंच पे इस तरह से गले की साइड में निशान लगाएंगे और ये तीनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से शेप होने के बाद में यहाँ पे ये कटोरी का शेप हो जाएगा।
अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैंने कितने नाप यहाँ पे लगाए हैं। सबसे पहले मैंने फ्रंट की लंबाई में 1.5 इंच ऐड किया हुआ है। उसके बाद में हमें चेस्ट का 1/4 निकाल के 1.5 इंच की मार्जिन, कमर का भी 1/4 निकाल के 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 1.5 इंच की मार्जिन, शोल्डर 5.5 इंच का लिया, आर्म होल 6.25 इंच का लिया, गले की लंबाई 6.5 इंच की ली, गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और शेप दे दिया है। आर्म होल की कट मैंने 1.5 इंच पे डाली हुई है। कटोरी का राउंड मैंने यहाँ पे 38 का 6 से डिवाइड करके 6.3 इंच पे एक निशान लगाया है। आर्म होल की साइड में 2.5 इंच रखा है। बेल्ट मैंने 3.5 इंच एक साइड में और 2.5 इंच एक साइड में, इतने निशान मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब इसको हम कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद में पेपर को इस तरह से खोलेंगे और बीच में से कट कर लेंगे पहले। अब देखिए फ्रंट का मैं आपको बाद में समझाती हूँ। सबसे पहले ये बैक में हमने फ्रंट की साइड में 1.5 इंच ऐड किया था लंबाई में, तो उसमें से हमें 1/2 इंच यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि हम पीछे की साइड में 1 इंच ही ऐड करते हैं लंबाई में। तो मैंने एक निशान लगा दिया 15 इंच पे और इस तरह से लाइन को सीधा बना के अब इसको कट करेंगे हम। कट करने के बाद में हम गले की चौड़ाई यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच पे। गले की लंबाई हमारी यहाँ पे 10 इंच पे है बैक नेक की। उसके बाद में गले की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच रखेंगे नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में हमने 2.5 इंच रखी है, नीचे की साइड में 3 इंच रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बना के इसको शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई और शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं गले का। अब यहाँ पे टक्स के निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, लाइन को सीधा बनाएंगे। अब देखिए कमर की साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो दोनों साइड से 1/2 1/2 इंच यहाँ पे लेंगे और इस तरह से लाइन बना के ये निशान हो गया टक्स का इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा बैक पार्ट यहाँ पे रेडी है। इसको साइड में रख लेते हैं। अब देखिए ये जो फ्रंट का पार्ट है, इसका आर्म होल पहले कट कर लेंगे इस तरह से। नेक कट कर लेते हैं फिर। इसका जो बेल्ट है वो भी कट कर लेंगे। कटोरी को भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से कट जाएगा हमारा। अब देखिए जो कटिंग में जो कटोरी निकली है, इसको अभी हमें बढ़ाना है। तो ये जो कटोरी बढ़ाना है हमें, अब हम इसको एक पेपर लेंगे। पेपर पे जिस तरह से हमारी कटोरी का शेप यहाँ पे निकला है, तो उस तरह से ड्रॉ कर लेंगे पहले शेप को। अब ये ड्रॉ करने के बाद में हमें दोनों साइड से 1.5 इंच पे एक निशान को बनाना है इस तरह से। अब इसको सीधा बनाएंगे लाइन में। पहले इसको नाप लेते हैं कितना है, 5.25 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी 5.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको इस तरह से नापेंगे। ठीक है, अब इसका सेंटर हमें यहाँ पे निकालना है दोनों का, इस तरह से रख के। सेंटर निकालने के बाद में अभी हमें सेंटर से 1.5 इंच नीचे की साइड में निशान लगाना है एक, और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है।
अब गले की साइड में 1/2 इंच की हम मार्जिन लेंगे और इस तरह से जहाँ तक हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है इस तरह से शेप देंगे। तो ये यहाँ पे कटोरी का शेप बन के आ जाएगा। अब देखिए मैंने नीचे की साइड में 1.5 इंच का यहाँ पे लिया हुआ था, मार्किंग किया था। अब ऊपर की साइड में भी 1.5 इंच ही लेंगे इस तरह से, और जो टक्स है हमारे उसको मैं 1.25 इंच पे इस साइड में एक निशान बनाऊंगी और 1.25 इंच इस साइड में, और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये यहाँ पे कटोरी बन के रेडी हो गई है। इसको कट करेंगे हम। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। थोड़ी सी मार्जिन का एक निशान लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। आप चाहे तो ये कपड़े पे भी कट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं भी कट किया तो चलेगा। ये इस तरह से हमारी कटोरी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले अब हम पेपर लेंगे, इस तरह से पेपर लेने के बाद में फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमारे स्लीव्स का यहाँ पे नाप है वो है 4 इंच की लंबाई है और गोलाई हमारी 12 इंच की है। तो अगर आपको स्लीव्स यहाँ पे अस्तर वाली कट करनी है तो आप लंबाई में 1 इंच ऐड करोगे। अगर बिना अस्तर वाली आपको स्लीव्स बनानी है तो आप उसमें लंबाई में 2 इंच ऐड करोगे। तो मैं यहाँ पर अस्तर वाली स्लीव्स ही कट करूँगी। तो मैंने 5 इंच पर एक निशान बना दिया। अब देखिए आपने जितना यहाँ पे आर्मोन लिया था पहला निशान उसको बनाएंगे, तो 1.25 इंच मैंने लिया था, मैंने 1.25 इंच पे एक निशान बनाया। उसके आगे 2.5 इंच का एक बना दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ही मार्जिन रखी है। आपने 2 इंच अगर रखी तो आप 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हम 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद में देखिए इस साइड में हमें 3 इंच यहाँ पे डाउन करना है। डाउन करने के बाद में जितने आपने यहाँ पे मार्जिन ली है उसको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में आपको स्लीव्स का इस तरह से शेप देना है, फ्रंट वाला और बैक वाला। उसके बाद में हाथों की गोलाई का निशान लगाएंगे। जो 12 इंच था उसका हाफ यहाँ पे 6 इंचेस और 1.5 इंच की मार्जिन। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। फ्रंट वाला भी यहाँ पे शेप कट कर लेंगे स्लीव्स का। इस तरह से हमारी स्लीव्स यहाँ पे कट के रेडी है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे बैक का पार्ट कट कर लिया है, फिर स्लीव्स, बेल्ट, साइड फ्रंट और कटोरी। तो यहाँ पे 38 इंचेस का कटोरी पेपर कटिंग बनके रेडी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।